हेलो यूट्यूब दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि लीन बॉडी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो फिटनेस मॉडल है उनकी बॉडी देख के लगता है कि अरे वाह यार क्या बात है, इतनी लीन बॉडी, इतनी श्रेडेड बॉडी। अपनी बॉडी को ऐसा दिखाने के लिए वो लोग करते क्या है, वो अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को बहुत ही ज्यादा नीचे कर लेते हैं। जो कम्पीट करते हैं वो तो 5% से भी कम आ जाती है उनकी बॉडी फैट सिर्फ कंपटीशन के दौरान, और जब ऑफ सीजन होता है उनका तो अपनी बॉडी फैट को वो नॉर्मली 15-20 तक ले आते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा लो अगर बॉडी फैट होगी हमारी तो उसके हमें नुकसान भी बहुत है, बट उनके नुकसान के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, वो मैं कोई अगली वीडियो बनाऊंगा। बट हमें आज ये पता होना चाहिए कि बॉडी फैट के हमें बेनिफिट्स क्या है। हमारी बॉडी में अगर फैट है तो उसके भी हमें बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट क्या है हमारी बॉडी, ये अगर हमें पता होंगे तो हम अपनी बॉडी फैट को इतना कम करने की सोचेंगे भी नहीं। बट फिर भी कुछ लोग जो कम्पीट करते हैं वो अपनी बॉडी फैट को इतना कम ले जाते हैं। अगर ज्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी फैट इतना कम रहेगी, 5%, 4%, 3%, तो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होगा वो। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी फैट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बॉडी फैट के बेनिफिट्स बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी बॉडी फैट होनी कितनी चाहिए। जनरली एक नॉर्मल इंसान है जो, उसकी बॉडी फैट होनी चाहिए 14 से 17%, लाइक 14-17% के बीच बीच में अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी वेट। ओके, अब मेन की बात की है मैंने, वुमेन की बात करते हैं तो उनकी बॉडी फैट परसेंटेज जो है 21 से लेके 24% के बीच में होनी चाहिए उनकी बॉडी फैट के हिसाब से, क्योंकि नेचुरली जो है वुमेन की फैट उनके मसल से ज्यादा होती है उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी फैट परसेंटेज होनी चाहिए 21 से 24%, एंड मेन की 14 से 17% एक नॉर्मल इंसान की। ओके, तो अगर हम बॉडी बिल्डर्स की बात करें वो अपनी बॉडी फैट को जो है बहुत नीचे तक ले आते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हम देखते हैं ना कई बार लाइक स्टेज शो के ऊपर, हम यूट्यूब के बहुत सारा वीडियोस जो है वायरल हुई पड़ी हैं कि बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन के दौरान ही कई बार बेहोश हो जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वो इसी लो बॉडी फैट परसेंटेज का ही नतीजा होता है। तो बॉडी फैट की आपको बता दें कि बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले अगर आपकी बॉडी फैट सही अमाउंट में होगी, लाइक 14 से लेकर 17% के बीच बीच में होगी आपकी बॉडी फैट, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आपके हेयर हेल्दी रहेंगे। ओके, क्योंकि फैट में ऑयल्स जैसे होते हैं जो आपकी स्किन और आपकी आपके हेयर को ग्रो करने में और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सही मेंटेन होता है। अगर बहुत ज्यादा बॉडी फैट कम हो जाएगी हमारी तो पता नहीं आपने ये चीज को फेस किया कि नहीं किया, बट अगर बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है हमारी तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पर्सन हमारी बॉडी को ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है ना, तो हम ज्यादा कोल्ड फील करते हैं। उसके बाद जो है जो फैट्स है, हमें सबको पता है कि लाइक फैट हमारी बॉडी के लिए एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी काम करती है। अगर हमारे कार्ब्स खत्म हो जाते हैं, लाइक कार्ब्स की एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है हमारी बॉडी में, तो जो फैट्स है वही काम आते हैं, फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो फैट है, हमारी फैट की जो लेयर होती है हमारी बॉडी में, वो एक्ट एज ए कुशन, एक कुशन की तरह काम करती है हमारे टिश्यूज और हमारे ऑर्गन्स के लिए, जो कि हमें काफी डैमेजेस से बचा के रखती है। अगर हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होगी तो हमारे टिश्यूज और हमारे ऑर्गन्स को जो है एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं प्रोवाइड होगी, तो उनको डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह बॉडी फैट जो है हमारी बोन्स के लिए भी एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है, एकदम से कोई झटका पड़े सीधा बोन्स के ऊपर नहीं लगता झटका, वो जो फैट है वो उसको झटके को शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इससे जो है बोन ब्रेकेज के लाइक हड्डियां टूटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है फैट का। उसके बाद आपको बता दूं कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन प्ले करती है। लाइक अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन है लाइक विटामिन ए, ई, डी एंड के, जो कि बिना फैट के हमारी बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती, ये विटामिन्स जो है अगर फैट के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगी, उनके साथ कंबाइन होंगी फैट के साथ, तभी जो है हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो अगर हमें ये वाइटल विटामिन हमें एब्जॉर्ब करने हैं, हमारी बॉडी ठीक तरह से फंक्शन करे, तो विटामिन तो हमें चाहिए, लेकिन विटामिन एब्जॉर्ब कैसे होंगे अगर हमारी बॉडी में फैट होगा। तो प्रॉपर फैट परसेंटेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फैट जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। अगर बहुत कम फैट होगी तो हमारे बीमार होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा फैट होगी फिर तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ मोटे इंसान को लाइक हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां तो जनरली चलती ही रहती हैं अगर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी फैट परसेंटेज होगी। बहुत कम बॉडी फैट परसेंटेज के क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि बॉडी फैट परसेंटेज आपके लिए लाइक आपकी बॉडी के लिए जो आपकी बॉडी फैट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी भी एक्सट्रीम लिमिट में मत जाइए कि आप अपनी बॉडी फैट को बहुत ज्यादा कम कर लें, और इतनी भी ज्यादा लिमिट में मत जाइए कि आप अपनी बॉडी फैट को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो एक लिमिट में रहिए, बॉडी फैट आपको लिमिट मैंने बता दी है 14 से 17% आपके लिए गुड लिमिट है। कम्पीट करते हैं अगर आप तो आप उसको कम्पिटिशन के टाइम पे 6-5 तक लेके आ सकते हैं, बट उसको ज्यादा देर तक वैसे ही कंटिन्यू मत कीजिए। ऑफ सीजन में अगर आप कम्पिटिटर हैं, ऑफ सीजन में आपको बॉडी फैट परसेंटेज अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी जो है सही तरीके से फंक्शन करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग आपके दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स अपनी बॉडी फैट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं उनके उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ पता लगे अपनी बॉडी फैट की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करने का। थैंक यू।